अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खबर शेयर कर रहे हैं। शवाल का चांद नज़र आ गया है। जी हाँ, ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है। शवाल का चांद नज़र आ गया। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया है कि कल बरोज इतवार को ईद उल फितर होगी। शवाल का चांद नज़र आ गया है। ईद उल फितर 24 मई बरोज इतवार को होगी, ये कहा गया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से। जैसे कि आपको पता है कि ये इजलास जो है वो मगरब के बाद जैसे ही रोज़ा अफ्तार हुआ उसके फौरन बाद से ये इजलास स्टार्ट हो गया था, और अब जो है इस वक्त ये ऐलान किया जा रहा है मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानब से कि पाकिस्तान के अंदर शवाल का चांद नज़र आ गया है। जी हाँ, कल ईद उल फितर होगी। जितने भी लोग ये खबर का इंतज़ार कर रहे थे, मुफ्ती साहब के जो उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है उसका वेट हो रहा था, तो सब लोगों के लिए खबर है कि शवाल का चांद नज़र आ गया है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी, ये कहा जा रहा है मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से। और साथ में उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा है कि ये जो फवाद चौधरी साहब थे कि वो दीन के मामलात में मुदाखलत ना करें। शवाल का चांद नज़र आ गया है जी। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से ऐलान किया गया है। ये मैं आपको बिल्कुल जो है इस वक्त लाइव देख के आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त शवाल का चांद नज़र आ गया है। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि शवाल का चांद नज़र आ गया है। बड़ी इंतज़ार हम लोग कर रहे थे, इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है। कल इंशाल्लाह ब्रोज इतवार को ईद उल फितर होगी, ये कहा गया है जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से। और साथ में उनकी जितनी भी बहुत सारी बातें उन्होंने और भी की हैं जो मैं यहाँ पे बताना जो है वो उसके लिए टाइम बहुत कम है, वीडियो लेंथी हो जाएगी तो वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। बहरहाल खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है। कल इंशाल्लाह बरोज इतवार को ईद उल फितर होगी। चैनल ऑल इन वन मिंचनाबाद को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।